खुदा जी आप सबको बरकत दे। आज जो हम गीत करेंगे ये गीत है राग नट भैरव में और गीत है यीशु तू मेरा जोर पान। देखे जरा राग नट भैरव। सरे ग म प ध नि स स नि ध प म ब ध ब म ग रे ग म ग रे नि स ग म प ध नि ध प म ब ध नि म प ध नि ध ब म ब ध नि ध ब म ब ध ब म ग रे। देखे जरा यीशु तू मेरा जोर बन जा, यीशु तू मेरा जोर बन जा। कदी जंग इबलीस तू ना हरा, कदी जंग इबलीस तू ना हरा। यीशु तू मेरा जोर बन जा। देख जरा पाके रू दिया पाकरू दिया दे तलवारा यीशु तू मेरा जोर बन जा, यीशु तू मेरा जोर बन जा। देखे जरा शुरू न्यूट्रिशन में भी देख ले यीशु तू मेरा जोर बन जा। कदी जंग अबलीस तू ना हरा, पाकरू दिया दे तलवारा यीशु तू मेरा जोर बन जा। ये राग नट भैरव बीच में जो अंतरा आता है अंतरे में ये वाला सुर भी लग रहा है, ठीक है। तो सुर लगने से कंपोजिशन को मतलब निखार मिलता है, तो इस वजह से राग ये चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। तो राग ये आप फिर अगर ये सुर लगने से ये किरवानी भी आप कह सकते हैं, लेकिन नहीं किरवानी आप नहीं कह सकते क्योंकि वो राग गीत की खूबसूरती के लिए उन्होंने सुर ये वाला लिया है, ठीक है। साथ अंतरा देखे जी। वांग अकाबा मैनू जोर नाल पर दे, वांग अकाबा मैनू जोर नाल पर दे। समसून वांगू तू दलेर मैनू कर दे, दलेर मैनू कर दे। देखे जरा वांग अकाबा मैनू जोर नाल पर दे, समसून वांगू तू दलेर मैनू कर दे, दलेर मैनू कर दे। फिर देख ले अभी नोटेशन में देख ले। अगला हिस्सा देखें। दौद वांगू जत जुलियत मारा, देखे जरा दौद वांगू जत जुलियत मारा, यीशु तू मेरा जोर बन जा, यीशु तू मेरा जोर बन जा। खुदा जी आप सबको बरकत दे। जाहिर सी बात है सरगम पलटा करने से तो इंसान आगे और बढ़ता है। तो मेरा तकरीबन महीना हो गया गला ख़राब है, तो आवाज़ उच्चे उत्ते मतलब नहीं सही तरह लगन रही है जे। तो दुआ करो मेरे लिए खुदा मैं जल्दी आराम दे, हजे भी गले च तकलीफ तो दर्द है। तो खुदा तुहानू सारयां नू बरकत देवे।